हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन बांसु द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 6 के गणित विषय में आज हम प्रारंभ करने वाले 10.3। 10.2 अपनी समाप्त हो गई थी। 10.3 है क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है, जिनमें हम कुछ आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। और मुख्यतः आपके चैप्टर में केवल दो ही आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है, वर्ग तथा आयत। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र आपको लिखवा देते हैं। क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र, तो देखिए मुख्यतः आपके चैप्टर में, आपके प्रश्नावली में केवल दो ही आकृतियों की बात की गई है, एक आयत। सबसे पहले क्या है? आयत। तो आयत का क्षेत्रफल देखिए, पहले हमने बात की थी आयत के परिमाप की 10.1 में, जो था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए और उसका क्या कर दीजिए? दुगना। अब क्षेत्रफल जो होता है आयत का, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी आयत क्वेश्चन में आपको आयत की लंबाई दी गई होगी और आयत की चौड़ाई दी गई होगी, और उन दोनों के आपस में हम गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। क्लियर है? दूसरा सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। यानी आपको क्वेश्चन में वर्ग की भुजा दी गई होगी और भुजा की गुणा जो आपको दी गई होगी भुजा, उसकी स्वयं से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। तो मुख्यतः आपको ये दो सूत्रों का यूज लेना है आपको पूरे चैप्टर में। फिर दो स्थितियां आपको विशेष बता रहा हूं अलग से, जो आपको क्वेश्चन में प्रयोग आएंगी, आपको क्वेश्चन में उनको यूज करना पड़ेगा। पहली क्या है कि यदि क्या आयत का क्षेत्रफल, क्या चीज? आयत का क्षेत्रफल, वह आयत और लंबाई दी गई हो, वह लंबाई की गई हो तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया जाएगा आपको, दो चीजें दी जाएंगी। क्या क्या? आयत का क्षेत्रफल और आयत की लंबाई। तो आयत की चौड़ाई क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखना इसको, आयत की चौड़ाई। तो इसके लिए सूत्र बनेगा बेटा कि क्षेत्रफल बटे लंबाई, यानी आयत के क्षेत्रफल में आयत की लंबाई का भाग दे दें तो क्या बन जाएगी? आयत की चौड़ाई। अब देखिए सूत्र कहां से बना है? इसी सूत्र से बना है, इसके क्षेत्रफल से। देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें किसका मान निकालना है? चौड़ाई का। चौड़ाई का मान निकालना है तो देखो लंबाई इसके साथ जुड़ी हुई है, यह आप सीखोगे समीकरणों में। तो देखिए लंबाई के दोनों पक्षों में हम किसके भाग दे देंगे? लंबाई की, इधर भी और इधर भी। क्यों? क्योंकि हमें चौड़ाई का मान निकालना है और चौड़ाई के साथ लंबाई की गुणा हो रही है, और लंबाई को हटाएंगे तो दोनों पक्षों में लंबाई की क्या दे देंगे? भाग। तो लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगी और चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल बटे लंबाई। और आपको यही चीज मैंने यहां पे लिखाई है। दूसरी स्थिति है कि यदि आयत का क्षेत्रफल व चौड़ाई दी गई हो तो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन बन गई इसकी, लंबाई की जगह क्या दे दी जाए? चौड़ाई। और तुमसे क्या निकलवाई जाए? आयत की लंबाई। तो देखिए इसके लिए क्या सूत्र बनेगा? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। यानी अगर लंबाई ज्ञात करनी हो तो चौड़ाई की भाग दे दो क्षेत्रफल में, और चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो लंबाई की भाग दे दो, ठीक। तो ये क्वेश्चन को आपको दिए जाएंगे, तो आप स्थितियों को ध्यान दें और ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लें। तो अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी प्रश्नावली, प्रश्नावली 10.3, जिसका पहला क्वेश्चन है कि आपको आयत दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? आयत। उनकी भुजाएं दी गई हैं और हमें क्या निकालना है? उन आयतों का
क्षेत्रफल। तो प्रश्न नंबर एक है, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं, जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। क्लियर? तो इसमें देखिए, पहला है ए भाग इसका, जिसमें भुजाएं दे रखी है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो दूसरा है जो बी है, उसमें दे रखी है 12 मीटर और 21 मीटर। फिर तीसरा है तो उसमें दे रखी है सी 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। लास्ट इसका डी पार्ट है, उसमें आपको दी गई है 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। ये आपको 4 क्वेश्चन हल करने, भुजाओं का मतलब है लंबाई तथा चौड़ाई। तो इसमें आप कोई सी लंबाई मान लो, कोई भी चौड़ाई मान लो, आप स्वतंत्र है, क्योंकि आपस में क्या होनी है, इनकी गुणा ही होनी है। ठीक है? तो जैसे 2 के 3 से गुणा कर लो, 3 के 2 से गुणा, उत्तर तो 6 ही आना है। तो लंबाई और चौड़ाई कोई सी मान सकते हैं। तो देखिए, मैं इसके 2 क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ, 2 आप क्वेश्चन को हल कर ले। जैसे बी को पार्ट ले रहा हूँ, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको बताया गया था सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां पर लंबाई देखिए आयत की क्या है, 12 मीटर, लंबाई 12 मीटर मान लेते हैं, चौड़ाई 21 मीटर। अब देखिए इनके आपस में गुणा करेंगे, 12 एकम 12 हासिल 1 12 2 24 और 1 25, तो कितना आ गया 252 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल आ गया, आयत बी का क्षेत्रफल आ गया। देखिए सूत्र था तुम्हें क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने लंबाई और चौड़ाई का मान रख दिया और इनके आपस में गुणा कराएंगे, तो गुणा कराएंगे क्या आ गया 252। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 252 वर्ग मीटर। क्लियर? ऐसे में इसका डी पार्ट हम कर रहा हूं। देखिए डी पार्ट में देखिए थोड़ा सा चेंज है, क्या है यहां पर आप देखेंगे कि इसकी भुजाएं जो है 1 मीटर में दी गई है, दूसरी सेंटीमीटर में दी गई। अब देखिए कभी भी क्वेश्चन का आपको परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो भुजाएं आपको दी गई है उनकी इकाइयां आपस में समान होनी चाहिए। चाहे अनुपात निकाल रहे हो, चाहे क्षेत्रफल निकाल रहे हो, चाहे परिमाप, यानी कोई भी कार्य कर रहे हो, तो अगर आपको जो भुजाएं दी गई है या जो भी दिया गया है तो उनकी इकाइयां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे इकाइयां असमान है, तो सबसे पहले इकाइयों को समान करेंगे। तो आयत की भुजाएं दे रखी हैं 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इकाइयां समान करने पर, देखिए मैं आपको इजी वे में काम करा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि उत्तर को अपन को वर्ग मीटर में देना है या वर्ग सेंटीमीटर में, तो आपको अच्छे से समझ में आए वो कार्य कर देता हूं। देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। मैं क्या कर रहा हूं, मीटर को किस में बदल रहा हूं, सेंटीमीटर में। तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 गुणा 100 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, भुजाएं 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए इकाइयां समान हो गई, नहीं हो गई, हो गई। अब हम क्या निकाल देंगे, इसका क्षेत्रफल, आयत का
क्षेत्रफल। सूत्र लगा देंगे, सूत्र अपना क्या है बताया आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 200 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई 70 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14 और 3 0 लग जाएंगी 14000 वर्ग सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इसको मीटर में निकालना चाहो तो मीटर में भी निकल सकते हैं। तो चूंकि आपको अभी दशमलव वाली चैप्टर पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको यही समझाया जाए। तो देखिए, मीटर में निकालोगे तो क्या होगा, देखो इसका आ जाएगा 1.4 वर्ग मीटर, या दूसरा आंसर ये भी आ सकता है। कैसे आएगा, एक ही बात है, देखिए 100 सेंटीमीटर में क्या होता है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। अब यहां पे वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब क्या होता है, खुद संख्या की खुद से गुणा, 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी 1 × 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 1/100 × 100 वर्ग मीटर। यानी सेंटीमीटर को चेंज करना हो इसमें वर्ग मीटर में, तो 100 × 100 यानी 10,000 की उसमें क्या देनी होगी, भाग देनी होगी। तो देखिए यहां पर 14,000 है, 14,000 में अपन 100 × 100 की भाग देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0, 14/10 आया। और इसको दशमलव में बदलेंगे, एक अंक पहले क्या लग जाएगी, दशमलव लग जाएगी, क्या हो जाएगा 1.4 वर्ग मीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी के दोनों क्वेश्चन सेम ऐसे ही है जो आपके लिए छोड़े हैं। जैसे ए है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, दोनों की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे इसको कर लेंगे 2 × 3 यानी 6 वर्ग किलोमीटर। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।